वेलकम टू दिस सेशन ऑन फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इस सेशन में हम फॉरेन की जरूरत और उसके सिंटैक्स के बारे में सीखेंगे। फॉरेन की अप्लाई करते समय यूजर के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, इनके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमने पिछले सेशन में चेक कंस्ट्रेंट की लिमिटेशंस के बारे में जाना। अगर कॉलम में अलाउड वैल्यूज फिक्स्ड है जो कि फ्यूचर में चेंज नहीं होंगी, तब हम चेक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉलम में अलाउड वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, तो उसके लिए चेक कंस्ट्रेंट की बजाय फॉरेन की सॉल्यूशन है। जैसे कि क्लास फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, तो क्लास के लिए चेक कंस्ट्रेंट फिजिबल नहीं है। जबकि मार्क्स कंडीशन के मार्क्स हमेशा पॉजिटिव होंगे या जेंडर सिर्फ मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होगा, उस कंस्ट्रेंट में चेक कंस्ट्रेंट डिजायरेबल है। तो उस केस में जहाँ पे कॉलम में अलाउड वैल्यूज फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, तो उसके लिए जो केस है वो फॉरेन की कंस्ट्रेंट है। तो आइए हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट समझते हैं। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल लेते हैं। इस टेबल में हमारे पास चार कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर। ये यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय डेटाबेस है और इस केस में इस यूनिवर्सिटी में तीन डिपार्टमेंट्स अलाउड हैं, 10, 20 और 30। अब डिपार्टमेंट में ये चेक लगाना कि सिर्फ तीन डिपार्टमेंट 10, 20, 30 अलाउड हैं, तो चेक कंस्ट्रेंट फिजिबल नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर फ्यूचर में ऐड भी हो सकते हैं और इनमें से कोई डिपार्टमेंट बंद भी हो सकती है। तो इसके लिए सॉल्यूशन फॉरेन की है। फॉरेन की के केस में हमें एक सेपरेट मास्टर टेबल बनाना पड़ेगा डिपार्टमेंट, और इसमें हम दो कॉलम स्टोर कर लेते हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। जितने भी यूनिवर्सिटी में अलाउड डिपार्टमेंट हैं उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर कर देते हैं। तो मान लो इस केस में यूनिवर्सिटी में तीन डिपार्टमेंट हैं, 10 कंप्यूटर, 20 केमिकल और 30 मैकेनिकल। डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की होगा और एम्प्लॉय टेबल का डिपार्टमेंट नंबर इसको रेफर करेगा फॉरेन की के साथ। इसका ये मतलब है कि एम्प्लॉय टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में वही डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं जो डिपार्टमेंट टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप एक रिकॉर्ड एम्प्लॉय नंबर 1 का डिपार्टमेंट नंबर 10 में इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ओरेकल चेक करेगा कि ये वैल्यू मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। कहने का मतलब वही वैल्यूज अलाउड होंगी जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम में एग्जिस्ट करेंगी डिपार्टमेंट टेबल में। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय नंबर को डिपार्टमेंट नंबर ऐसा देने की कोशिश करें जो इस लिस्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 40, तो ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि ये एक वैलिड डिपार्टमेंट नहीं है। सिर्फ तो इस तरह से डिपार्टमेंट टेबल में सिर्फ वही वैल्यू अलाउड होंगी जो मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करेंगी, और इस कंसेप्ट को हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की एक ऐसा कॉलम है जो किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करेगा फॉर इट्स वैलिडेशन ऑफ डेटा। ये किसी दूसरे टेबल को रेफर करता है, दैट्स वाई इसको फॉरेन की बोलते हैं। इस केस में जो डिपार्टमेंट टेबल है वो पेरेंट टेबल माना जाएगा जिसको ये रेफर कर रहा है, और जिसमें फॉरेन की प्रेजेंट है उस टेबल को हम चाइल्ड टेबल बोलेंगे। सो फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के काम आता है, और समटाइम इसको हम रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो फॉरेन की एक ऐसा कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम है जो अपनी वैल्यूज किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की से ड्राइव करता है, और इस कॉलम में वही वैल्यूज अलाउड होती हैं जो मास्टर में एग्जिस्ट करती हैं, और जिसमें फॉरेन की प्रेजेंट है उसको चाइल्ड टेबल बोलेंगे, और जिसको ये रेफर करेगा उसको मास्टर या पेरेंट टेबल बोलेंगे। अब बात करते हैं सिंटैक्स ऑफ फॉरेन की। तो फॉरेन की अप्लाई करने का सिंटैक्स सिंपल है। आपको कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज के साथ मेंशन करना है रेफरेंसेस, टेबल नेम, कॉलम नेम। आपको फॉरेन की अप्लाई करते समय यह बताना पड़ेगा फॉरेन की किस टेबल के कौन से कॉलम को रेफर करेगी, और इसके साथ आप एक फॉरेन की क्रिएट कर सकते हैं। फॉरेन की क्रिएट करते समय हम ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन डिलीट कैस्केड या ऑन डिलीट सेट नल भी मेंशन कर सकते हैं। इनका क्या सिग्निफिकेंस है हम इसको अगली स्लाइड्स में समझेंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें फॉरेन की एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटाबेस पे अप्लाई करनी है तो इसके स्टेप्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मास्टर टेबल क्रिएट करना है, और इस केस में मास्टर टेबल है डिपार्टमेंट। तो हम सिंपल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज करके मास्टर टेबल क्रिएट करेंगे। डिपार्टमेंट नंबर प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम, डेटा टाइप एंड साइज। तो मास्टर टेबल क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप में हम चाइल्ड टेबल क्रिएट करेंगे, और यहां पे चाइल्ड टेबल है एम्प्लॉय।
तो इसका सिंटैक्स रहेगा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ई नंबर, डेटा टाइप साइज प्राइमरी की, इसके साथ हम ई नेम, जॉब, बाकी कॉलम डिफाइन करेंगे। अब डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बनाने के लिए जैसा कि हमने सिंटैक्स में देखा था, तो कॉलम नेम, डेटा टाइप और साइज, रेफरेंसेस, किस टेबल को यह रेफर करेगा, मास्टर टेबल डिपार्टमेंट और उसके डिपार्टमेंट नंबर कॉलम को। यहां यह बात देखने योग्य है कि जो फॉरेन की डेटा टाइप और साइज है वो प्राइमरी की ऑफ अदर टेबल जिसको ये रेफर करेगा उसके साथ मैच करनी चाहिए, जबकि दोनों का नाम डिफरेंट हो सकता है। इस एग्जाम्पल में हम दोनों का नाम सेम ले रहे हैं, तो कॉलम नेम, डेटा टाइप साइज, रेफरेंसेस, मास्टर टेबल नेम और उसकी प्राइमरी की का नाम, इससे हम डिपार्टमेंट नंबर को फॉरेन की बना सकते हैं। जब हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं तो कुछ केसेस हैं जिनके बारे में सोचना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर 30 के रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करें डिलीट स्टेटमेंट के साथ, डिलीट डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट नंबर 30, तो एम्प्लॉय टेबल्स के उन रिकॉर्ड्स का क्या होगा जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 30 होगा। तो ऑफ कोर्स ये अलाउ नहीं होना चाहिए क्योंकि इस केस में ये डिपार्टमेंट नंबर इनवैलिड हो जाएगा। ओरेकल इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है बाय इन्फोर्सिंग ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन ऑन फॉरेन की। इसका मतलब कि आप मास्टर टेबल से रिकॉर्ड तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक चाइल्ड टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रेजेंट है। तो फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 के रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल से रिमूव करने का सोल्यूशन क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन है कि पहले एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट नंबर 30 के रिकॉर्ड डिलीट कीजिए और उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट टेबल से वो रिकॉर्ड रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब पहले चाइल्ड टेबल में वैल्यू रिमूव करो, फिर पेरेंट टेबल से वो वैल्यू रिमूव कर दो। तो इसके लिए आपको दो डिलीट स्टेटमेंट इश्यू करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ये काम एक ही डिलीट से करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑन डिलीट कैस्केड की ऑप्शन है। ऑन डिलीट कैस्केड के साथ वैल्यू मास्टर और चाइल्ड टेबल में एक साथ रिमूव हो जाएगी। तो ऑन डिलीट कैस्केड में जब आप डिपार्टमेंट नंबर 30 का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे डिपार्टमेंट टेबल से, तो उसी के साथ एम्प्लॉय टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमूव हो जाएंगी, जैसे यहां दिखाया गया। तो डिपार्टमेंट नंबर 30 का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से भी डिलीट हो गया और कॉरेस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से भी डिलीट हो गई। इसका मतलब जब आप ऑन डिलीट कैस्केड लगाएंगे तो एक डिपार्टमेंट के बंद होने से कॉरेस्पॉन्डिंग एम्प्लॉय भी यूनिवर्सिटी से फायर हो जाएंगे और उनका रिकॉर्ड भी डेटाबेस से रिमूव कर दिया जाएगा। परंतु ये हर केस में डिजायरेबल नहीं होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 30 को क्लोज करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि उसके एम्प्लॉयज का डेटा बी रहे और वो डेटा रिमूव डेटाबेस से ना हो, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑन डिलीट सेट नल की। ऑन डिलीट सेट नल के साथ मास्टर टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा लेकिन चाइल्ड टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज नल सेट कर दी जाएंगी, जैसे कि यहां दिखाया गया है। तो जब आप डिलीट कमांड डिपार्टमेंट टेबल पे इशू करेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर 30 का रिकॉर्ड डिपार्टमेंट टेबल से रिमूव हो जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज जिसमें डिपार्टमेंट नंबर 30 होगा एम्प्लॉय टेबल में, वहां पे नल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे एम्प्लॉय नंबर 5 का डेटा रिटेन रहेगा पर डिपार्टमेंट नंबर नल सेट हो जाएगा। इसके लिए हमारे पास ऑन डिलीट सेट नल की ऑप्शन है फॉरेन की अप्लाई करते समय। तो आइए अब हम ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल के सिंटैक्स को समझते हैं। जब हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं तो उस समय बाय डिफॉल्ट ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन अप्लाई होती है। तो यहां पे हमने पहले पेरेंट टेबल क्रिएट किया डिपार्टमेंट और फिर चाइल्ड टेबल एम्प्लॉय में हमने मेंशन कर दिया कि डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है जो कि डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर को रेफर करेगा। इसी के साथ हम मेंशन कर सकते हैं ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट। तो इस केस में फॉरेन की ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन के साथ क्रिएट होगी। जैसा कि पहले बताया ये डिफॉल्ट ऑप्शन है, तो अगर हम ये नहीं भी लिखेंगे तो भी फॉरेन की ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट के साथ ही क्रिएट होगी। अगर हम फॉरेन की ऑन डिलीट कैस्केड के साथ डिलीट करना चाहते हैं, मतलब जब मास्टर से वैल्यू डिलीट हो तो चाइल्ड अपने आप डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ऑन डिलीट कैस्केड, जैसे कि यहां दिखाया गया है। अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन की ऑन डिलीट सेट नल के साथ क्रिएट हो जिसमें मास्टर टेबल की वैल्यू डिलीट करने पे चाइल्ड टेबल में कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज में नल चला जाए, तो उसके लिए हमें ऑन डिलीट सेट नल ऑप्शन यूज करना है, जैसे यहां दिखाया गया है। तो आइए अब हम फॉरेन की का कंसेप्ट स्टूडेंट डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि वैलिड क्लासेस
फ्यूचर में चेंज हो सकती हैं, इसके लिए चेक कंस्ट्रेंट सफिशिएंट नहीं है और इसका सलूशन फॉरेन की है, तो आइए अब इस डेटाबेस के ऊपर फॉरेन की अप्लाई करते हैं। तो इस केस में हमारे पास स्टूडेंट टेबल है रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स के साथ। तो क्लास के ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाने के हम एक और टेबल क्लास क्रिएट करेंगे जिसमें कॉलम है क्लास और डिस्क्रिप्शन। क्लास कॉलम प्राइमरी की है और इसमें हम क्लास के कोड और उनकी डिस्क्रिप्शन स्टोर कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में मान लीजिए 3 क्लासेस अलाउड है, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और स्टूडेंट का जो क्लास कॉलम है वो इस कॉलम को रेफर करेगा और ये फॉरेन की का काम करेगा। तो इस केस में वही क्लासेस अलाउड होंगी जो इस मास्टर क्लास टेबल में एग्जिस्ट करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि रोल नंबर 1 से लेके 5 तक वो बीई एमई या एमसीए में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा कोई और क्लास हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम एरर रेज करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो हमें एमबीए क्लास शुरू करनी है तो उसको कैसे करेंगे। तो उसके लिए एमबीए क्लास फर्स्ट मास्टर टेबल में ऐड की जाएगी। तो जैसे ही एमबीए क्लास आप मास्टर टेबल में ऐड करेंगे तो चाइल्ड टेबल में अब इसकी एंट्री पॉसिबल हो जाएगी। तो अब आप रोल नंबर 6 को एमबीए असाइन कर सकते हैं क्योंकि ये वैलिड क्लास लिस्ट में अवेलेबल हो। तो इस तरह से फॉरेन की के साथ आप क्लास के ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते। इस सेशन में हमने फॉरेन की के कंसेप्ट और उसके यूसेज के बारे में समझा। हमने इसकी डिफरेंट ऑप्शंस ऑन डिलीट रिस्ट्रिक्ट, ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन डिलीट सेट नल के बारे में भी जाना। हमने डिफरेंट एग्जांपल से ये समझा कि किस केस में कौन सी ऑप्शन अप्लाई करनी चाहिए। अगले सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। फॉरेन की के ऊपर और डिटेल में पढ़ने के लिए आप रीडिंग सेक्शन ऑफ वीक 2 को रेफर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।